हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा वो किसका होगा, एमएसएन का होगा। यानी कि जो हमारी जो सब्जेक्ट चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, एमएसएन चल रही थी, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाली सब्जेक्ट चल रही थी। उसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया है एमआई, यानी कि एमआई का मतलब क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो डिजीज़ होती है उसके बारे में कुछ देखा जाता है, उसके बारे में ऑब्जर्वली यानी कि कुछ ऑब्जर्व किया गया है या फिर कुछ टॉपिकली तरीके से उसको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी गई हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, वह मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस कारण से होता है, एंड जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह क्या होती है, उसके बाद देख लेते हैं हम किस वजह से हम पहचान सकते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या नहीं, या फिर जो एमआई डिजीज़ है या नहीं, उनके कुछ सिम्टम्स होंगे। उसके बाद देख लेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में दिया जाएगा, यानी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट के द्वारा हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, और ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ, नई नई डिजीज़ के साथ या फिर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जो एमआई होता है या फिर जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के क्या होंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि जो एमआई होता है वो क्या होता है। तो एमआई इज ए ब्लॉकेज ऑफ द फ्लो टू द हार्ट डिजीज़, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ ब्लड ब्लॉक कर देते हैं कि इसको फ्लो, यानी ब्लॉक के यहाँ पर क्या आएगा, ब्लड फ्लो। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ब्लड आएगा, यानी कि शब्द मिस हो गया। इसमें क्या देता है, एम आई इज ए ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड फ्लो को क्या कर दिए, ब्लॉक कर देती है। कहाँ से, हार्ट से, यानी कि जो हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो जाता है उसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, एम आई होने के चांस होते हैं या फिर एम आई होती है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं, और एम आई का दूसरा नाम मैं आपको बता दूँ, यानी कि एम आई इज आल्सो नोन एज द हार्ट अटैक। यानी कि हार्ट अटैक को ही हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हार्ट अटैक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि हार्ट अटैक क्या होता है, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये हार्ट अटैक यूजुअली अक्कर, यानी कि जो हार्ट अटैक होता है वो कब अक्कर होता है या कब पैदा होता है, वैन इन जब ब्लड क्लॉट ब्लॉक ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी कि किसमें हो जाता है, जो ब्लड होता है बॉडी का, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स की जो बॉडी का ब्लड होता है वो क्लॉट होता है, यानी कि उसका थक्का बन जाता है, और थक्का बनने के कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फ्लो नहीं कर पाता है, और जो अगर ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगा, और अगर ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि जो बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हार्ट, वो प्रॉपरली तरीके से काम नहीं करेगा, और अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक के चांस भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो मेन कारण क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉकेज होने लग जाता है, यानी जब ब्लड इज लॉस देन ऑक्सीजन, यानी कि जब क्या होगा, ब्लड इज लॉस देन ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, अगर ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजन किससे कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी धीरे धीरे, यानी कि अगर प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होगा तो जो हार्ट के अंदर जो पहले से जो ब्लड कलेक्शंस है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, रेज टू टिश्यू, और टिश्यू क्या होंगे, जो हार्ट टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे डाइज होने लगेंगे या फिर धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉजेज होते हैं, इनकी कॉजेज का मतलब क्या होता है, जो हार्ट अटैक यानी जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वह किस कारण से होता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। तो द मेन काज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, यानी कि जो मेन काज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का वो क्या होता है, आपको मैं बता दूँ, कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि जो कोरोनरी आर्टरी जो क्या होती है, तो मैं आपको इस आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई का काम करती है वो कौन करती है, कोरोनरी आर्टरी करती है, यानी कि बॉडी से लेकर जो हार्ट के लिए जो ब्लड ले जाती है, यानी कि ब्लड की सप्लाई करती है, वो कौन सी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। इसलिए क्या होता है, जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या बताया गया, इसको मेन कारण बताया गया है, कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द हार्ट, यानी इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हार्ट को वह ब्लड देगी जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, जो ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है वह हार्ट को प्रोवाइड कराती है, यानी कि हार्ट को देती है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इफ़ यानी
यदि द बिकम ब्लॉक्ड द हार्ट ब्लड सप्लाई, इफ यदि अगर हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती तो हार्ट टिश्यू का हार्ट अटैक यानी कि हार्ट टिश्यू क्या होंगे डाइज होने जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा डाइज यानी कि हार्ट टिश्यू क्या होंगे डाइज होने लगेंगे, और अगर हार्ट टिश्यू डाइज या डैमेज होने लगेंगे तो हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 80% हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें यही बताया गया है, यानी कि जो MI यानी कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो मेन कारण बताया गया है वो क्या बताया गया है, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होना, यानी कि क्या होता है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनके आधार पर हम यह कंफर्म कर सकते हैं कि जो डिजीज़ है वो क्या है MI है यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है, यानी कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि यह मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है या फिर कोई अदर डिजीज़ है। तो हम देख लेते हैं कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं, यानी कि सिम्टम्स देख लेते हैं या फिर इसको जो मेडिकल भाषा में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के नाम से भी जाना जाता है सिम्टम्स को देख लेते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ द MI चेस्ट पेन, यानी कि जो मेन सिम्टम होगा यानी कि जिसके हम द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं अगर किसी के चेस्ट पेन होता है यानी कि जो मेन सिम्टम होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का वो होता है चेस्ट पेन, यानी कि चेस्ट पेन के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के चांस हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं टाइटनेस इन द चेस्ट, यानी चेस्ट के अंदर क्या हो जाती है टाइटनेस आती है। उसके बाद नेक बैक आर्म एज वेल एज फटिग, यानी कि जो नेक बैक और जो आर्म होते हैं वो क्या होते हैं फटिग यानी थकान जैसी महसूस करते रहते हैं, यानी कि जो हमारा बॉडी है वो थकान जैसा महसूस करने लग जाता है। एबनॉर्मल हार्ट रेट यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स की जो हार्ट रेट होगी वो एबनॉर्मल हो जाएगी यानी कि नॉर्मल हार्ट रेट नहीं होगी। उसके बाद एंजाइटी यानी कि ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है यानी कि हर चीज़ों से उनको डरने लग जाता है, हर चीज़ से उसको एंजाइटी महसूस होने लग जाती है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ यानी इसके अंदर क्या होगा जो श्वास है यानी कि जो ऑटो की होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है और जो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होने लग जाती है यानी कि चेस्ट पेन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कभी कभी जो पेशेंट होता है उसके अंदर नोजिया भी होने लग जाती है यानी कि उसको उल्टी जैसा मन करने लग जाता है। उसके बाद वॉमिटिंग भी हो सकती है यानी उसको ज़्यादा ही सीरियस कंडीशंस में वॉमिटिंग भी हो जाती है एंड डिजीनेस भी, यानी कि जो क्या होता है जो डिजीनेस होता है यह भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। डिजीनेस का मतलब क्या होता है यानी कि इसका डिजीनेस का जो हिंदी के अंदर जो अर्थ होता है वो होता है चक्कर आना, यानी कि डिजीनेस का मतलब क्या होता है चक्कर आने, यानी कि कभी कभी पेशेंट को क्या होते हैं चक्कर भी आने लग जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिसके द्वारा हम MI यानी कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो उसके बाद देखेंगे अगली जो अगली चीज़ देखने को मिलेगी वो होगी ट्रीटमेंट, यानी कि किस आधार पर हम जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कुछ ट्रीटमेंट, यानी कि ये ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट क्या होता है या किन किन के द्वारा मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए हम अपनी जो ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। द मेन ट्रीटमेंट ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द रिटन इन द ब्लो, यानी कि जो मेन ट्रीटमेंट बताया गया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड वो क्या होता है दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि जो सपोर्ट की केयर दी जाती है, यानी कि सबसे पहले जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का जो पेशेंट होता है उनको किया जाता है सपोर्टिव केयर दी जाती है। सपोर्टिव केयर के अंदर क्या होता है डेफिब्रिलेशन आता है, ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि अगर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे यानी कि ऑटो की सप्लाई पर्याप्त करेंगे, उसके बाद सपोर्टिव केयर देंगे। उसके बाद जो अगली जो अगला ट्रीटमेंट आता है अगला ट्रीटमेंट देखने होता है मेडिकेशंस, यानी कि मेडिकेशंस के द्वारा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कौन कौन सी मेडिकेशंस दी जाती हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। MI के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती हैं, MI के अंदर जो अंदर एंटीकोगुलेंट ड्रग यानी कि एंटीकोगुलेंट ड्रग दी जाती है, और जो एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है यानी क्यों दी जाती है एंटीकोगुलेंट ड्रग इसलिए दी जाती है जिसके अंदर क्या होता है ब्लड क्लॉट नहीं होता है, यानी कि जैसे ही हम किसी भी पेशेंट्स को एंटीकोगुलेंट ड्रग देंगे तो एंटीकोगुलेंट ड्रग से जो ब्लड का जो क्लॉट होता है ब्लड क्लॉट नहीं होता है और जिससे ब्लड फ्लो नहीं रुकता है। उसके बाद आता है एंटी एंजियल ड्रग, यानी कि एंटी एंजियल भी ड्रग देंगे एंटी एंजियल ड्रग्स देंगे इनकी यह एक पेन किलर होती है। उसके बाद नारकोटिक ड्रग देंगे, नारकोटिक ड्रग भी एक पेन किलर होती है। उसके बाद आता है SCE इनहिबिटर्स यानी कि SCE इनहिबिटर्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उसका रिलैक्स महसूस कर सके। बीटा ब्लॉकर्स देंगे जिसके अंदर जो ब्रेथ वगैरह स्लो है वो अच्छे तरीके से होता है। ये कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं कि इसको जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेशेंट होता है ये मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं
इस प्रकार से हम कह सकते हैं नॉर्मली जो MI होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इन मेडिकेशंस के द्वारा या फिर जो सपोर्टिव केयर होती है इनके द्वारा जो MI का माइकोडियल इन्फेक्शन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं।